मध्य प्रदेश में मूसलधार बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश का दौर जारी है। इस मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना और ग्वालियर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है। श्योपुर कला में मध्यम बाढ़ का खतरा है, जबकि गुना, पश्चिम शिवपुरी, उत्तरी सागर, उत्तरी विदिशा, पश्चिम अशोकनगर और नरसिंहपुर जैसे जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। पांढुर्ना, रायसेन, शहडोल, उमरिया, सीधी, पूर्वी कटनी और दक्षिण मंडला में भी मध्यम से हल्की बाढ़ की आशंका है। इसी के साथ उत्तरी राजगढ़, उत्तरी नीमच, पूर्वी मंदसौर, मध्य शिवपुरी, दक्षिण बालाघाट और दक्षिण सिवनी में हल्की बाढ़ की संभावना जताई गई है। इन सभी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, बांधवगढ़, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और नीमच में बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, पेंच, मंडला, कान्हा और बैतूल में मध्यम बारिश की संभावना है। हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, खरगोन, महेश्वर और अन्य जिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रात के समय उदयगिरी, भोपाल, बैरागढ़, सीहोर, रायसेन, भीमबेटका, सांची, सागर, दमोह और बड़वानी जैसे जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह दौर यूं ही जारी रहेगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बारिश के कारण खेती किसानी पर भी असर पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्हें आने वाले दिनों में स्थिति के और भी खराब होने की आशंका सता रही है। अतः आने वाले दिनों में सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मौसम की हर अपडेट पर नजर बनाए रखें और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।